वेलकम टू माय चैनल। सो इस ईयरली जोडियक रीडिंग में हम लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये साल 2022 आप लोग के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर और ओवरऑल जो भी मुझे यहाँ पे आपको आपके लिए जानने को मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और गाइडेंस भी देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है इस साल के लिए। तो शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग लियो सिंह राशि, और ये रीडिंग है आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। लियो सिंह राशि, ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, टाइम कम है आप लोगों के पास लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, सपने बहुत सारे हैं। सो जस्ट ऐसा होता है ना कि यहाँ से ये भी ले लो, वहाँ से वो भी ले लो, ऐसा कुछ मैं आप लोगों के लिए इस साल देख रही हूँ। अपनी नॉलेज को आप लोग एक्सपेंड करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। और बिल्कुल ही एक कम्प्लीटली यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत है, एक नया आप स्टार्ट कर रहे हो। ये नया स्टार्ट ऐसे भी हो सकता है कि काम चाहे पुराना हो लेकिन काम करने का तरीका आप लोगों के लिए नया है। ओवरऑल सारा फोकस इस साल जो है मैं आप लोग के कैरियर के ऊपर देख रही हूँ, और आप लोग का भी कहीं ना कहीं ये है कि एक बारी पहले आप अच्छे तरीके से सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप जैसे सही होती चली जाएंगी। यहाँ पे इस साल क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो मैं पहले ही बता दूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है आप लोग के लिए ये साल। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी करना पड़े, इधर उधर जाना भी आना पड़े, लेकिन एक जो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि अपने रेस्ट का भी ख्याल रखना अपने लिए। आप चाहे कितना भी काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर रेस्ट की भी आपको नीड है। चाहे अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हो तो कम से कम 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद अच्छे से लें। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग को नींद भी अच्छे तरीके से नहीं आती होगी, आप लोग को या तो सपने आते रहते होंगे या फिर आप सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि यू नो वो बेचैनी सी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ रहता है। सो लियो आप लोग को स्ट्रांगली एडवाइस करूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पे दी स्टार का भी कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट ईयर 2021 आप लोग के लिए टफ रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपसे छूटी हों, अलग हुई हों, जिनसे ये जो साल है 2022 उन चीज़ों में हीलिंग लेके आ रहा है। दी स्टार का कार्ड यहाँ पे जो है स्ट्रांगली आप लोगों के लिए हीलिंग को बता रहा है, हीलिंग को इंडिकेट कर रहा है, खुद को हील करने वाले हो आप लोग, और यहाँ पे अपनी विशेष के ऊपर काम करने वाले हो, मैनिफेस्टेशंस करने वाले हो 2022 में आप लोग, और आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कंप्लीट भी होंगी। 8 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि अगर कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो आपका इमोशन है, आपका रिश्ता है, आपका अटैचमेंट है, उस चीज़ को छोड़ देने में ही आप लोग की भलाई है। और यू नो अपनी हैप्पीनेस के लिए बढ़ें, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपना पहला कदम उठाएं। और ये साल मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। लियो ओके हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, यहाँ से बाजी पलट गई, ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के लिए जो कार्ड है वो है हेरोफेंट, और ये चीज़ें मैंने देखी कि एडिशनल आप लोग का फोकस किन चीज़ों पे रहने वाला है इस साल। और यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल आप लोग बहुत ज़्यादा रहोगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड आप लोग बहुत ज़्यादा रहोगे इस साल, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग काम करने वाले हो अपने ऊपर, खुद को समझने पर, जैसे आपके इमोशंस
यू नो हम लोग को सबको ऐसा लगता है कि हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जब हम लोग सही में जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, अभी खुद को समझना बाकी है। हाँ, और जब एक बार ही खुद को समझ जाते हैं, यू नो कुछ और समझने के लिए नहीं बचता है। शायद कुछ लोग मेरी इस बात को समझ पाए हो। आई डोंट नो ये पूरा राइमिंग फ्रेज में क्यों जा रहा है, लेकिन जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इस साल आप लोगों को यू नो पता चलने वाली हैं, कोई ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है इस साल, किसी ज्ञान की आप लोग तलाश में हो एंड लियो, वो चीज़ें आप लोग को यू नो जैसे पता पड़ने वाली हैं, कुछ रहस्य, कुछ सीक्रेट्स। यहाँ पे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर सकते हैं, दी सीक्रेट बुक मुझे यहाँ पे एकदम से विजन में आ रही है। सो कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यू नो कुछ अलग ही करना, कुछ नया ही करना, जैसे अपनी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाना, अपना ही कोई तरीका बनाना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ये एनर्जीज आप लोग के लिए इस साल के लिए हैं। और बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा इस साल आपकी जो एनर्जी हैं अपनी पावर में रहने वाले हो, अपनी पोजीशन में रहने वाले हो। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स चलती रहती होंगी, लेकिन आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके पास जो लोग हैं, उन्हें भनक तक नहीं पड़ती होगी कि एग्जैक्टली आप लोग की लाइफ में चल क्या रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हो, बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करना आप लोग पसंद नहीं करते हो लियो। और इस साल भी मैं आप लोग को और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सेटिस्फेक्शन आप लोग की लाइफ में थोड़ा सा मिसिंग है, और वही सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप 2022 में काम करने वाले हो कि कैसे वो सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आए, चाहे कैरियर से, चाहे रिलेशनशिप से। और कहीं ना कहीं कभी आप खुद से भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पाया, मुझसे ये क्यों नहीं हो पाया, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। सो अपने ऊपर अपने जैसे यू नो कहते हैं ना, जैसे एक मूर्ति, एक क्या बोलते हैं उसे, जैसे एक मूर्ति बना के उसे तराशा जाता है, तराशते हैं, तो वैसे ही कुछ खुद को तराशने वाला आप लोग काम करने वाले हो कि मुझे मेरे बेस्ट वर्जन में आना है, मुझे मेरी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, मुझे यू नो आप लोग के अंदर एक चाह है कि मैं बेस्ट हो जाऊँ, मैं बेस्ट बन जाऊँ, मैं बेस्ट हो जाऊँ, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई ना हो, कुछ ऐसा रहने वाला है। सो बेसिकली उस चीज़ के ऊपर मैं आपको इस साल काम करती हुई भी देख रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दी हेरोफेंट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप पॉसिबल है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते फिलहाल, रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहते हैं और अपने कैरियर के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, लेकिन यू नो 50-50 का यहाँ पे चांस है आप लोग के लिए कि कुछ लोग रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी तरीके से इस साल शादी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग की लाइफ में कोई भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रही है, कोई भी एक ऐसी चीज़ें रही हैं, तो वहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग का मूव ऑन करना ही बेहतर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि ऑब्स्टेकल्स आप लोग के सामने यू नो है, मतलब कि ये कि आप जिस तरीके से अपना काम करना चाहते हो कुछ ना कुछ जैसे रुकावटें जो हैं वो उस काम में आई जाती हैं। तो देखो कुछ भी काम करने से पहले देखो प्रेयर्स ज़रूर करो, डेली प्रेयर्स ज़रूर करो, एक टाइम अपना ऐसा ज़रूर निकालो जहाँ पे आप ईश्वर से प्रेयर करो। ग्रेटिट्यूड जर्नल को अगर आप लोग अपनी लाइफ में इस पूरे साल फॉलो करोगे आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हीलिंग आप लोग को करनी है लियो इस साल अपनी, और अपने मन में अगर आप लोग को लेके किसी चीज़ को लेके यू नो नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स बन चुका है, फॉर एग्जांपल सब लोग एक से होते हैं, हाँ कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ होते हैं लड़के वो कहते हैं सारी लड़कियाँ एक सी होती हैं, कुछ यू नो जस्ट एक मैं बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी नेगेटिव फ्रेज यू नो अपने माइंड में लेके आप लोग को नहीं चलने हैं, पॉजिटिव आपको रहना है। समटाइम्स कुछ एक्सपीरियंस गलत हो जाते हैं हम लोगों के, लेकिन यू नो पूरी कम्युनिटी को ही गलत बता देना, सबको ही गलत बता देना ये समझदारी नहीं है, ये जस्ट यू नो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत मैं आप लोग को बता रही हूँ, नहीं तो होता क्या यू नो फिर उसी टाइप के लोग जो हैं वो बार बार ही मिलने लग जाते हैं, तो ऐसा कोई भी आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट ना बनाए। सो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ आप लोग को किन एनर्जीज़ के साथ, किस ऊर्जा के साथ इस साल काम करने की ज़रूरत है लियो।
राशि दी टेम्पल पाथ, एंड मैंने अभी प्रेयर्स का ही नाम लिया था कि जितना आप डेडिकेटेड रहोगे, जितना आप ईश्वर से जुड़े हुए रहोगे, उतने ही, जैसे कहते हैं ना, आपकी जो विशेज हैं वो पूरी होती चले जाएंगी। आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना है, आपको ईश्वर पे भरोसा करना है। आपका कनेक्शन मैं डिवाइन के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग को आते हुए देख रही हूँ लियो। आप लोग के लिए यहाँ पे ये भी है कि अगर आप लोग रेगुलरली किसी मंदिर जाते हो दर्शन करने, आप कहीं जाते हो तो वहाँ जाते रहो, ऐसा कुछ यहाँ पे पता नहीं किसके लिए मैसेज है लियो। एंजल ऑफ लव एंड नंबर 49, और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है सेल्फ लव को। जो प्यार आप दूसरों में ढूंढते हो, जो प्यार आप ये सोचते हो कि आपको दूसरे लोगों से मिले, जो आप ऐसा सोचते हो ना कि मुझे कोई मेरे जैसा पर्सन मिले, कोई मुझे मेरे जैसा इंसान मिले जो मुझे मेरी तरह प्यार करे, सबसे पहले आप लोगों से ये कहा जा रहा है खुद से प्यार करना सीखो, अपनी केयर करना सीखो, अपना यहाँ पे ये सेल्फ लव की एनर्जी है, खुद प्यार से भर जाओ। जब आपके अंदर आप दूसरों के लिए आप दूसरों में प्यार ढूंढोगे तो आपको वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन जब आप अपने अंदर प्यार ढूंढोगे तो वहाँ से एक, मैं कहूँ, एक नए इंसान का जन्म होता है। जब कहते हैं ना सेल्फ लव करना, एक नई पर्सनैलिटी का जन्म होता है, और वो लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोग को मैसेज दे रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना है इस साल। हो सकता है आपका काम जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, थ्रोट से रिलेटेड हो। अपने थ्रोट चक्रा को आप लोग स्ट्रांग बनाइए, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए, और क्योंकि कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के लिए इस साल। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है दी थिंकिंग मैन, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में नहीं मचानी है, आराम से कोई भी डिसीजन लेते वक्त आपको सोच विचार करना है, अच्छे तरीके से उसके प्रोज एंड कॉइंस आप लोग को देख लेने हैं, और उसके बाद आप लोग को डिसीजन लेना है। आप लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप लोग हो सकता है कि रहते हो, लेकिन या फिर आपको ऐसा लगता हो कि समय कम है और मैं सब कुछ अचीव कर लूं, लेकिन यहाँ पे ये थिंकिंग मैन का जो कार्ड है वो कह रहा है कि सोच समझ के आपको आराम से एडवाइस लेके, सलाह मशवरा करके आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इस डेक से कि एडिशनल क्या है आप लोगों के लिए लियो सिंह राशि। कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है बहुत सारी हीलिंग पावर्स हैं आप लोग के अंदर, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो साल है आप लोग के लिए हीलिंग से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे एक और मैसेज आप लोग के लिए है कि आप लोग सोचते हो कि मैं खुद को हील कर लूँ, लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को हील करोगे, सॉरी, जैसे आप दूसरे लोगों की हेल्प करोगे, दूसरे लोगों के चेहरे पे हंसी लेके आओगे, मुस्कान लेके आओगे, उतना आप खुद पर खुद हील होते जाओगे। The 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगेन यहाँ पे स्टार की एनर्जी है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना करें, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस आपको जो करनी है वो ईश्वर से करें, भगवान से करें, आपको आपकी मेहनत का फल चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी कभी थोड़ा सा लेट होना भी अच्छा होता है कुछ बुरा होने से, समझ रहे हो। सब्र, पेशेंस की एनर्जी के साथ आप लोग को काम करना है। बाकी इस साल आप लोगों का ग्रुप जो है मैं भरते हुए देख रही हूँ, सोशली आपके फ्रेंड्स, और आपको आपके फ्रेंड्स से हेल्प भी मिलेगी, ऐसा भी यहाँ पे है। सेजिटेरियस,
दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। सो यहाँ पे गुड फॉर्चून है आप लोग के लिए, अथॉरिटी है, कोई ऐसी पावर आपको मिल सकती है, कोई ऐसा ऑर्डर आपको मिल सकता है जहाँ पे आपको यू नो वो अथॉरिटी के साथ काम करने को मिले। एंड बहुत पावरफुल आप खुद को फील करोगे लियो इस साल, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात लोग समझेंगे, सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू समझी जाएगी, और यू नो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोग के ऊपर हो सकती है। तो मेक श्योर आप खुद को अच्छा यू नो खाने में प्रोवाइड करो, यानी कि अच्छी आप लोग डाइट लो। ये साल ऐसा नहीं है कि आप लोग डाइटिंग करो, फॉर एग्जांपल ये साल है कि अपना कुछ ऐसा आप अपना हेल्दी रूटीन बनाओ, हेल्दी डाइट लो, क्योंकि इस साल काम बहुत है करने को, हीलिंग बहुत है करने को, और अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। आपके काम में जितना कॉन्फिडेंस होगा, जितना आप अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और कभी भी यू नो अपने एंथुजियाज्म को, अपनी एक्साइटमेंट को कम नहीं होने देना, ठीक है। सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या एडवाइस है लियो सिंह राशि। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि हार नहीं माननी है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पत्थर पे लिख दी गई हो, या फिर जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर हो, आप चाहो तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों ने किसी हीलर से कंसल्ट किया हो, किसी से कंसल्ट किया हो सकता है किसी ने आपको कोई नेगेटिव बात बोल दी हो और वो बात आपके मन में घर कर गई हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपने विल पावर से आप कुछ भी चीज़ को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो आपकी विल पावर, आपके जो कर्म हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या बनेंगे, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके, सो लियो की जब एनर्जी डिसबैलेंस होती है कहीं ना कहीं कभी कभी उन लोगों में प्राइड की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। सो आपका ये एक शेडो साइड, यू नो आपका एक शेडो वर्क रह सकता है कि आपको प्राइड की एनर्जी को दूर लेके जाना है। और एक एनर्जी होती है ना कि सबको एक जैसा समझना, सबको समान समझना, सबको इक्वल लेवल पे लेके चलना, उसके साथ आप लोग को काम करना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक भी कर देना अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।